हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स इन पिक्सल्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका, और मैं हूं विवेक, इस चैनल का क्रिएटर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल बनाने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइबर्स गेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऑल दो आपके पास कंटेंट है बोलने के लिए, आप कुछ बात करने के लिए सोचते हो कि इसके लिए मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, तो या कोई भी और दूसरे टाइप का कंटेंट आप डालना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए और धीरे धीरे करके वो चीज़ें ग्रो होने लगती हैं। तो मैं बात करूँगा कि कैसे मैंने अपने पहले 500 सब्सक्राइबर्स गेन करे, ऑल दो अभी मेरे पास कुछ 700 सब्सक्राइबर्स होने को हैं। और तो जो फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स थे, मैंने अपने करीब 1.5 साल पहले ये चैनल बनाया था, और उसके बाद मैंने थोड़े टाइम के लिए इस चैनल को अबैंडन कर दिया था, बिकॉज मुझे उतना टाइम नहीं मिला, मैं दूसरी चीज़ों में बिजी हो गया, मुझे जॉब स्विच करनी थी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो शुरुआत में मैंने क्या करा कि मैंने कुछ वीडियोस बनाए, और कुछ मुझे जो एडिनबरा में रहता था मैं, तो मैंने कुछ एडिनबरा के वीडियोज़ बनाए और उनको पोस्ट करा। और मुझे फोटोग्राफी टीच करने में थोड़ा इंटरेस्ट था, जो भी बिट्स एंड पीसेस में मुझे पता है, तो मैंने उसके छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए। तो और कुछ मैंने स्ट्रीट परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करा था, वो काफ़ी इजी टास्क था मेरे लिए, बिकॉज मुझे उसमें जनरली कुछ नहीं करना, जस्ट मुझे कैमरे का एंगल कंट्रोल करना है और नाइसली रिकॉर्ड करना है उसे साउंड को। सो बेसिकली मेरा एक वीडियो काफ़ी वायरल हो गया, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वॉच टाइम मिला और कुछ 100 सब्सक्राइबर्स मिले थे सब मिलाकर। और मैंने शुरुआत में काफ़ी दोस्तों को भी बोला और भी लोगों को बोला, तो ऑलमोस्ट मुझे वीडियोस डालकर कुछ 250 समथिंग सब्सक्राइबर्स मिले हुए थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, और उसके बाद ये हुआ कि मुझे लगा कि उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है जितनी मैं उस पर वीडियोस डाल रहा हूँ या जितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया इस चैनल को थोड़े टाइम के लिए। फिर मैं दोबारा से अभी मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट करा, और जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो अभी मैंने उस पर शॉर्ट्स डालने शुरू किए हैं, जैसा कि YouTube का शॉर्ट्स वाला फीचर है और जैसे Instagram रील्स हैं, तो वैसे ही YouTube का शॉर्ट्स वाला अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। लाइक बहुत पुराना फीचर नहीं है, ऑलमोस्ट 1 साल ही हुए होंगे आई थिंक इसको इंट्रोड्यूस हुए। तो शॉर्ट्स में जो वीडियोस हैं छोटे से, यानी कि लाइक 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स, तो आप उसमें एक ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर सकते हो, और आप डेली एक चैनल पे डेली आप एक शॉर्ट तो पोस्ट करें ही करें, कहीं से भी बनाकर या फिर आप खुद के फेस दिखाते हुए या कुछ भी ऐसा करते हुए एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें कि आपको पर डे एक शॉर्ट तो डालना ही डालना है। एंड सेकंड थिंग जो यूट्यूब की इम्पॉर्टेंट है, वो आपके जो आप वीडियोज़ पोस्ट करते हो उस वीडियोज़ का CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्लिक थ्रू रेट क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली आपको थोड़े से कैची टाइटल डालने हैं जब आप वीडियो पोस्ट करते हो, शॉर्ट्स में भी डाल सकते हो, शॉर्ट्स थोड़ा अलग तरह से वर्क करते हैं, बट वीडियो जब आप पोस्ट करते हो तो उसमें आपको कैची टाइटल डालने हैं, थंबनेल लगाना है, थंबनेल लगाना नहीं भूलना है, और थंबनेल पे भी थोड़ा सा एक अच्छे फॉन्ट में यूज करके आपको वीडियो में लिखना है। सो आप उसमें देखोगे, एक तो क्लिक थ्रू रेट का और रिटेंशन टाइम भी एक होता है, तो रिटेंशन टाइम मतलब कितने टाइम तक आपका वीडियो किसी ने देखा। सपोज आपका 5 मिनट के आसपास का वीडियो था, और अगर लोगों ने उसको 3 मिनट 25 सेकेंड या समथिंग या 4 मिनट के आसपास देखा है, तो वो एक अच्छा रिटेंशन टाइम माना जाएगा। और जो क्लिक थ्रू रेट है, इट्स लाइक कि आपका वीडियो यूट्यूब ने आपके सामने प्रेजेंट करा और उस पर किसी ने क्लिक करा, यानी कि उसको वॉच करने के लिए, तो वो टाइटल पढ़ेगा और सबसे पहले वो देखेगा आपका थंबनेल। सो ये दोनों चीज़ें इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप वीडियोस डालते हो। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं तो YouTube को ऐसा लगता है कि आपका जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे वीडियोस बना रहे हो, तो वो उनकी एल्गो पुश करना स्टार्ट कर देती है। और इन जनरल भी लाइक आपके जो ऑलरेडी ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी अगर वो वीडियो दिखता है और वो कैची दिखता है, तो एटलीस्ट वो क्लिक तो करते हैं। सो नो मैटर वॉट, आप कंटेंट कितना भी अच्छा बनाते हैं, कितना भी अच्छी चीज़ आपकी वीडियो में रहती है, बट अगर आप एक सही टाइटल और सही थंबनेल नहीं देते हैं, तो लोग अंदर तक पहुँचेंगे ही नहीं।
वो इम्पॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है. लाइक आपको अगर कोई अगर आप सोचते हो कि एवरी सैटरडे आप एक वीडियो पोस्ट कर सकते हो या एवरी संडे आप एक वीडियो पोस्ट कर सकते हो, तो आप वीक में एक वीडियो तो पोस्ट करें ही करें इस टाइप से आप बनाए, या 15 डेज में एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो ताकि यूट्यूब को भी लगे कि आप सीरियस हो और उसकी एल्गो को भी अच्छा इम्पैक्ट पहुँचता है, तो वो पुश करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. और जैसे ही आपका वीडियो वायरल हो जाएगा अगर कोई पोस्ट, तो उससे वॉच टाइम भी अच्छा आएगा और सेकंड सब्सक्राइबर्स भी अच्छे मिलेंगे आपको. और इन सब में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपके चैनल का नीश क्या है, कि अगर आप कोई भी किस तरह की वीडियोस आप दिखाना चाहते हो, किस तरह की वीडियोस आप बनाना चाहते हो. जैसे मेरा चैनल कहता है कि मैं ट्रैवल वीडियोस आपको दिखाऊंगा और बिट्स एंड पीसेस में आपको फोटोग्राफी टीच करूंगा, सो 90% ऑफ द वीडियोस उससे रिलेटेड ही होने चाहिए. थोड़ा बहुत आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपके उसी थीम उसी नीश से रिलेटेड होने चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा. YouTube को भी पता रहेगा कि what you are posting, एंड आपके सब्सक्राइबर्स को भी पता चलेगा कि what to expect एंड when to expect. सो आप शेड्यूल मेंटेन करें उस चीज़ का. मैं उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे पता है कि ये चीज़ करने से काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना चैनल मोनेटाइज कराने के लिए 1K सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4K आवर्स का वॉच टाइम चाहिए, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा. एंड उसके बाद आप एडसेंस उस पर कनेक्ट कर सकते हो. मेरे 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और वॉच टाइम में मैं अभी काफ़ी पीछे हूँ बिकॉज मैंने शॉर्ट्स ज़्यादा डाले हैं, तो लेकिन मैं उस रास्ते पे चल निकला हूँ और बहुत जल्द ही मुझे लगता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा. तो मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे हुए और मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है, अगर आपने आपको इस वीडियो से लगा है कि मैंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है जो काफ़ी ईजी शब्दों में मिली है आपको, तो प्लीज़ 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 कमेंट एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट वीडियो. Bye.